नहीं, उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें तो उन्होंने 2024 से लेकर सॉरी 2014 से लेकर अब तक उन्होंने क्या अचीवमेंट किए हैं उन अचीवमेंट के बारे में ही ज़्यादा बताए, लेकिन सरकार आगे क्या करने वाली है और ख़ासकर चाइना जो अग्रेशन है चाइना का और ऑलरेडी वो एनक्रोच किया है, बहुत से वहाँ पर घर बंधे हैं और बहुत से दो चार देहात हो गए हैं, रोड हो गया, पुल हो गया, उसके बारे में उन्होंने विदेश नीति के बारे में स्पष्टता से कुछ नहीं बताया। और घर के बारे में जो उन्होंने 2 करोड़ घर गरीबों के लिए दिए उनका कहना है, लेकिन उनका तो ये वायदा था 2022 तक 4 करोड़ घर हम बना के देंगे, वो भी नहीं है उसमें। और किसान के आमदनी का 2 गुना करने का उनका वायदा था, वो भी उन्होंने उसमें बताया नहीं। लेबर लॉज जो काले कानून है उनके उस लेबर लॉज के बारे में सोचने का उन्होंने वायदा किया था, वो भी कुछ उन्होंने नहीं कहा। एससी एसटी के स्कॉलरशिप के बारे में उन्होंने पहले ये कहा था कि कम से कम हम 16,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन वो केवल अब तक उनके 300 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा जो जो चीज़ें उन्होंने पहले वायदे किए थे या प्राइम मिनिस्टर पहले राष्ट्रपति जी से जो वायदे करवाए थे, तो बहुत से वायदे का जो अनुष्ठान है ये नहीं हुआ है। और एम्प्लॉयमेंट तो सबको मालूम है, उसके बारे में उनकी ठोस नीति नहीं है। रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट में 32 लाख जगह खाली है, केंद्र सरकार राज्य सरकार सभी मिलके, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। रेलवे में इतने बड़ी धांधली हो गई है और रिक्रूटमेंट के बारे में युवा हमारे तरस रहे हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो चीज़ें उन्होंने कहना था उन्होंने वो नहीं कहा। और जो मोदी जी बाहर कहते हैं कहते आए हैं वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पर आज बताई है, तो इसीलिए इस भाषण में ऐसे कोई महत्व के मुद्दे भी नहीं है, विचार भी नहीं है। और ये सिर्फ मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की विफलता का एक भाषण मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष से कहने लगा है। नहीं, लेकिन इन सब के बीच आप किन किन मुद्दों को बजट सेशन में उठाने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को उठाने जा रही है दोनों सदनों में? नहीं, हम तो जो उठाएंगे वो कहेंगे, लेकिन आज जो उन्होंने अपने भाषण में कहा है उसके ऊपर मेरा रिएक्शन है। भाषण में हम क्या बोलेंगे वो तो कल परसों हम बता देंगे। साथ में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आज खुले तौर पे हम सभी से अपील करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कि चूंकि बजट का मसला है पूरे साल भर का होता है, तो खुले तौर पे मुद्दे को उठाएं, चर्चा करें और इसमें शामिल हो। देखिए, मुद्दे तो हम उठाएंगे। इन्फ्लेशन का मुद्दा है, उसके बारे में कोई जिक्र है क्या, किस ढंग से इसको निपटाने का? अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है क्या उन्होंने कहा? ये सारी चीजें उठेंगे ना, हम उठाएंगे। नहीं, पेगासस के मामले में भी हम वो अब ऑलरेडी हमारे जो पार्लियामेंट के लोअर हाउस के नेता है उन्होंने ये कहा है और वो पेगासस इश्यू भी हम उठाएंगे। सह्याद्रीची उंची म्हणजे सिचुएशन।